Hey everyone and welcome back to the channel. I'm your friend Abhishek and you're watching Munda Top Notch. So guys, आज ना मैं जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो ना literally आपकी जान बचा सकता है, आपको बहुत बड़े जोखिम में फंसने से बचा सकता है. मैं बात कर रहा हूँ सीट बेल्ट प्रीटेंशनर एंड लोड लिमिटर की. अब ये एक ऐसा नाम है, लिखवा लो मेरे से, 90% ऑफ लोगों ने तो इसका नाम ही नहीं सुना होगा और जिन्होंने सुना है उनको ये नहीं पता कि ये कौन सी चिड़िया है, कौन क्या बला है, कैसे वर्क करती है, मतलब इसका पर्पस क्या है. तो आज की वीडियो में ना यार मैं आपको एक डिटेल में बताने वाला हूँ कि सीट बेल्ट प्री टेंशनर क्या है, सीट बेल्ट लोड लिमिटर क्या है और कैसे ये कंजंक्शन में वर्क करके आपकी जान बचा लेता है. तो चलो टेक्निकलिटी में जाने से पहले ना थोड़ी सी बात करते हैं सीट बेल्ट की. तो जब भी आप सीट बेल्ट आपने पहन रखी होती है, राइट, लेट्स से मैंने अभी सीट बेल्ट पहन रखी है, ठीक है, और आप ड्राइव कर रहे हैं और सडनली आपका एक्सीडेंट हो जाता है. अब जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेस से आगे गाड़ी आ गई और मेरी ये गाड़ी ठुक गई, या कोई भी हर्डल आ गई और गाड़ी ठुक गई, किसी पेड़ से टकरा गई और मैं हाई स्पीड पर चल रहा हूँ, तो सीट बेल्ट जो है ना बेसिकली वो क्या करेगी, क्योंकि इसने अब आपको बांध रखा है तो इमीडिएटली जब इंपैक्ट हो रहा था उसको आपको एकदम से आगे जाने से वो थोड़ा सा रोक लेगी क्योंकि आप बंधे हुए हो. और इनफैक्ट जो मेरा लोअर टमी एरिया है यहाँ से भी आप होल्ड हो तो एक तरह से इसने आपको थोड़ा सा होल्ड करके रखा हुआ है. तो इसने जो ना उस इंपैक्ट को आपकी बॉडी पे एकदम से नहीं आने दिया, थोड़ा सा उसको होल्ड कर लिया, आपकी बॉडी को थोड़ा सा पुल बैक कर लिया. तो ये हो गया सीट बेल्ट का काम. अब सीट बेल्ट जो है वो प्राइमरी सेफ्टी इक्विपमेंट है, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेफ्टी इक्विपमेंट जो हो गया आपका एयरबैग्स. अब आपने सीट बेल्ट लगा रखी है, जैसे ही आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक फ्रंटल इंपैक्ट हुआ, तो जो आपकी गाड़ी की एयरबैग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेयरिंग के अंदर एयरबैग है, ये एकदम से हो गया डिप्लॉय और एकदम से बैलून की तरह वो ओपन होकर आपके सामने आ गया. अब वो क्योंकि वो झटके से खुलता है और आपने सीट बेल्ट भी लगा रखी है तो सीट बेल्ट ने आपको एकदम से आगे जाने से रोका, तो जो बैलून खुलने की वजह से जो आपकी बॉडी में आपकी नेक में डैमेज हो सकता था वो सीट बेल्ट ने प्रिवेंट कर लिया. समझ रहे हैं? अगर यही आपने सीट बेल्ट ना लगा रखी होती तो आप सीधा औंधे मुंह जाके आगे गिरते और उस एयरबैग के खुलने की वजह से, डिप्लॉय होने की वजह से आपको इतना डैमेज हो जाता कि आपकी जान भी जा सकती थी. तो बेसिकली जो एयरबैग का पर्पस है आपकी जान बचाने का, वो आपकी जान ले भी सकता है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है. बस यहीं पे ही सारा खेल आ जाता है सीट बेल्ट प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर का. तो जैसे जैसे ना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है वैसे वैसे ही कार्स में जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट आती जा रही है. तो अगर आपको ध्यान होगा मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी रिलेटेड टू एयरबैग सेफ्टी जिसमें हमने बात करी थी SRP एयरबैग्स की. तो 90% ऑफ गाड़ियों में अगर आपने देखा होगा जो एयरबैग्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टीयरिंग में देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा SRS एयरबैग, SRP नहीं, लिखा होगा SRS एयरबैग. 90% गाड़ियों में यही आता है, लेकिन जो फ्रेंच कार्स हैं मोस्टली उनमें आता है SRP एयरबैग्स. फॉर एग्जांपल रेनॉल्ट की जितनी गाड़ियां हैं उनमें भी आपको SRP सिस्टम मिलेगा. और जो SRP एयरबैग्स है वो बेसिकली एक एडवांसमेंट है ओवर SRS. तो उसमें एडिशनल सेंसर्स होते हैं गाड़ी में जो कि जब भी सिचुएशन आती है, गाड़ी आपकी एक्सीडेंट वाले कंडीशन में जाती है, उसको फ्रंटल इंपैक्ट होता है, तो उस टाइम पे एडिशनल सेंसर होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि जो ड्राइवर है जो बैठा हुआ है उसका वेट कितना है और वो किस पोजीशन में बैठा हुआ है. उसके बेस पे वो सेंसर डिसाइड करते हैं कि एयरबैग कैसे डिप्लॉय होना है और कितना डिप्लॉय होना है. तो बेसिकली उसका पर्पस सिर्फ इतना है SRB का कि जो एयरबैग्स के डिप्लॉय होने की वजह से ड्राइवर या को ड्राइवर को डैमेज हो सकता था उस डैमेज को किस तरह से मिनिमाइज किया जाए. ये एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है एयरबैग सिस्टम में. इसी तरह से ही हमारी जो सीट बेल्ट्स है इसमें अब जो नेक्स्ट लेवल एडवांसमेंट आ चुकी है उसका नाम है सीट बेल्ट प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर. तो चलो अब बात करते हैं कि प्री टेंशनर क्या है और कैसे वर्क करता है. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. अब मैंने सीट बेल्ट लगा रखी है और लेट्स अज्यूम कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ 100 की स्पीड पे, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ. अब एकदम से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है फॉर व्हाटएवर रीजन, ओवर स्पीडिंग की वजह से मैं किसी गाड़ी से टकरा गया या किसी भी मतलब ऑब्स्टेकल से मेरी गाड़ी टकरा गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया. सो लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है. तो अब क्या होगा, मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई है और एकदम से जो ये है फ्रंटल एयरबैग जो है ये डिप्लॉय होगा और ये कोशिश करेगा कि बीइंग अ ड्राइवर मेरी जान बच जाए.
अब सीट बेल्ट किस तरह से काम कर रही है वो मेरे को प्रिवेंट कर रही है कि मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाऊं, समझ रहे हो, ताकि मेरे में डैमेज कम हो। लेकिन यहाँ पर एक फ्लॉ है जो बहुत बड़ा फ्लॉ है, भले ही इसने मेरे को होल्ड करा हुआ है और मेरे टमी वाले एरिया से भी होल्ड बैक करा हुआ है ताकि मैं बहुत ज्यादा आगे ना जा पाऊं, बट स्टिल अब देख रहे हो मैं आगे जा पाता हूं, मूव कर पाता हूं, ये एरिया जो है यू कैन पुल इट राइट, तो आप आगे जा पाते हो। तो ये थोड़ा सा आपको प्रिवेंट कर रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट अ 100% सेफ्टी। अगर मेजर इंपैक्ट हुआ है तो आप स्टिल आगे की तरफ जाएंगे, झटका लगेगा और एयर बैग की वजह से आपको डैमेज बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। बस अब यही काम है प्री टेंशनर का कि इस फ्लॉ को दूर कर देना। प्री टेंशनर जो है गाइस कुछ भी नहीं है, एक ना गाड़ी में आजकल विद मॉडर्न एडवांसमेंट एडिशनल सेंसर्स लग गए हैं और हार्डवेयर लग गया है और एडिशनल मोटर्स लग गई हैं इस सीट बेल्ट मैकेनिज्म में। तो जब भी आपका एक्सीडेंट हुआ, मतलब एक सिचुएशन वो वाली अराइज हुई जिसमें आपके एयरबैग्स डिप्लॉय होने हैं, उस टाइम पे वो जो एडिशनल सेंसर है प्री टेंशनर का वो हो जाएगा एक्टिव, वो सेंस करेगा कि सीट बेल्ट एयरबैग्स जो है डिप्लॉय होने वाले हैं। तो एयरबैग्स डिप्लॉय होने के साथ साथ वो सेंसर जो है इस सीट बेल्ट की जो एडिशनल हार्डवेयर मोटर है उसको दे देगा सिग्नल कि भैया तुम भी एक्टिव हो जाओ। और वो क्या करेगा, सीट बेल्ट जैसे ही एयरबैग डिप्लॉय होंगे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेम मिली सेकेंड्स वो एकदम से आपको पुल बैक कर लेगा। अब ये एकदम से आप समझो आप रॉक सॉलिड होके पीछे चिपक गए, तो ये आपको आगे नहीं जाने देगा। बस यही काम है सीट बेल्ट प्री टेंशनर का कि सिचुएशन ऑफ एक्सीडेंट आपको एकदम से पुल बैक कर ले। आप सोचो कि आपको कि एक तरह से किसी ने फेविक्विक से पीछे चिपका दिया, अब आप आगे नहीं जा पा रहे, इतना आपको रॉक सॉलिड उसने पीछे खींच लिया है। दैट इज द जॉब ऑफ प्री टेंशनर। सेम सिंपल फंडा है कि एयर बैग की वजह से होने वाले डैमेज को जो सीट बेल्ट बचा रही थी उसको वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाए और वो डैमेज और भी ज्यादा प्रिवेंट हो पाए, ताकि जो ड्राइवर और को ड्राइवर जो है उनकी सेफ्टी में और भी चार चांद लग जाए। तो अब ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि प्री टेंशनर जो है कितना अच्छा फीचर है, उसने एकदम से आपको रॉक सॉलिड कर लिया और बचा लिया, है ना, लग रहा है ना मजेदार फीचर। बट ऐसा नहीं है, इसमें भी अब बहुत बड़ा फ्लॉ है, ध्यान से सुनो। अब क्योंकि इसने आपको रॉक सॉलिड कर लिया है तो आप एकदम से पीछे, मतलब आप समझो आप चट्टान की तरह हो गए हो पीछे, और जब भी दो चट्टाने आपस में टकराती हैं तो डैमेज हमेशा ज्यादा होता है। अब ये दो चट्टाने कौन सी है, एक चट्टान होगी आपकी एयरबैग जो डिप्लॉय हुआ है और एक चट्टान अब हो गया आप खुद बन गए हो। तो अब क्योंकि प्री टेंशनर ने आपको पूरा पुल बैक करके एक चट्टान बना दिया, तो जब भी अब दो चट्टाने, अब ये एयरबैग और आपकी बॉडी का अब जो कोलिजन होगा मिनिमल होगा, लेकिन जो कोलिजन होगा ये आपको अब ज्यादा डैमेज कर सकता है, ये आपकी रिब्स और चेस्ट ब्रेक कर सकता है। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है इसमें, और इसी फ्लॉ को दूर करने के लिए पिक्चर में आ जाता है लोड लिमिटर। बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं बता रहा हूँ लोड लिमिटर कैसे वर्क करता है। अभी तक आपने प्री टेंशनर की वर्किंग देख ली है, उसका फ्लॉ समझ लिया, अब उस फ्लॉ को कैसे दूर करना है, दैट इज द जॉब ऑफ लोड लिमिटर। तो लोड लिमिटर आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि एक्सीडेंट के टाइम में आपके ऊपर आने वाले लोड को इसे लिमिट करना है, उसको मिनिमाइज करना है, ताकि आपकी बॉडी में डैमेज कम हो। तो जैसे ही आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, सिचुएशन आई एयरबैग डिप्लॉय करने की, प्री टेंशनर ने आपको एकदम से पुल बैक कर लिया, लोड लिमिटर ने क्या करा, इस पुल बैक को पूरे को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड हल्का सा रिलीज कर दिया। बस यही काम है लोड लिमिटर का, ताकि आप पे डैमेज कम हो। जैसे एक्सीडेंट हुआ, कोलिजन हुआ, बूम आप पीछे चिपक गए, बूम और प्रेशर रिलीज, बूम, दैट्स हाउ प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर वर्क। तो ये दोनों जो है ना, प्री टेंशनर और लोड लिमिटर, एक कंजंक्शन में वर्क करते हैं। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड एयर बैग डिप्लॉय होते ही ये भी एक्टिव हो जाते हैं, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड एकदम से रिलीज भी कर देते हैं, ताकि आपको इसने प्री टेंशनर ने आपको रॉक सॉलिड करके एकदम से आगे झटका नहीं लगने दिया, और प्री टेंशनर ने हल्का सा रिलीज करके आपकी रिब्स और चेस्ट को डैमेज होने से बचा लिया। है ना मजेदार फीचर। और ये आजकल की ना गाइस जितनी भी मॉडर्न कार्स आ रही हैं, जितनी भी, उन सब में और प्रीमियम कार्स, उन सब में जो है ये प्री टेंशनर और लोड लिमिटर फीचर जो है वो दिया जा रहा है। और इनफैक्ट कुछ मिड सेगमेंट्स की गाड़ियों में भी अब इंडिया में जो आ रही है उनमें भी ये आने लग गया है। और एक बहुत मजे की बात बताता हूँ, जो हमारी रेनो ड्राइवर है उसमें भी ड्राइवर साइड पे अब ये प्री टेंशनर और लोड लिमिटर जो है वो दिया जाता है। तो अब अगर आपने देखा होगा मैंने 2024 लाइनअप की जो रिव्यू करी है ड्राइवर की, सब में जो है ये फीचर प्रेजेंट है। और इनफैक्ट यार मुझे लगता है यार आप ना
आने वाली सब गाड़ियों में इसे स्टैंडर्ड फीचर बना देना चाहिए। तो अगर आप ना मेरे से पूछे तो ये ना सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी एस्पेक्ट बन जाता है किसी भी गाड़ी को खरीदने का या उसे रिजेक्ट करने का, क्योंकि यार ये फीचर जो है ड्राइवर को और को ड्राइवर को सेव कर रहा है, उनकी जान बचा रहा है। और अगर ड्राइवर सेव रह पाएगा तभी तो यार पैसेंजर सेव रह पाएंगे। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ड्राइवर की सेफ्टी जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इफ ड्राइवर रिमेन सेफ ओनली देन अदर पैसेंजर्स कैन रिमेन सेफ। तो यार जब भी आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं ना, तो मेरे से अगर पूछे तो इस फीचर को आपको मस्ट हैव रखना चाहिए। अगर किसी गाड़ी में ये फीचर नहीं मिल रहा आपको तो आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर मेरे जैसा बंदा होगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो उसको नहीं लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी गाड़ी को खरीदने का या ना खरीदने का आने वाले टाइम में। और यूजुअली ना कार कंपनीज वाले थोड़ा सा इसमें यार खेल भी रहे हैं। वो इस फीचर को प्रीटेंशनर और लोड लिमिटर को जो बेसिकली सिर्फ ड्राइवर साइड ही दे रहे हैं, मतलब को ड्राइवर साइड भी नहीं दे रहे, क्योंकि एडिशनल सेंसर्स लगने हैं, एडिशनल हार्डवेयर जाएगा, मोटर जाएगी, तो गाड़ी की कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ जाएगी। तो वो सिर्फ दे रहे हैं ड्राइवर साइड, और कुछ कंपनीज वाले तो सिर्फ चुनिंदा मॉडल में दे रहे हैं। अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे तभी मिलेगा आपको, नीचे बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। इस तरह से भी थोड़ा सा प्ले किया जा रहा है। तो अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो एक बार शोरूम वाले से जरूर चेक करें, स्पेसिफिकेशन गाड़ी की जरूर चेक करें कि जो सा मॉडल आप ले रहे हैं उसमें ये फीचर अवेलेबल है या नहीं है। बट यार मेरा मानना यह है कि अब ये ना ऑल टुगेदर स्टैंडर्ड फीचर हो जाना चाहिए, कि हर कार मैन्युफैक्चरर को स्टार्टिंग फ्रॉम बेस मॉडल इसे देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप जो भी मैंने आपको आज इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेंगे। और जब भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप छोटे डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, सीट बेल्ट को आप हमेशा लगा के रखेंगे। इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी। इससे आप तो सेफ रहेंगे और आपके घर वालों को भी थोड़ी सी चिंता आपकी कम रहेगी। तो आज ना आपको प्रॉमिस करना है, मेरे से नहीं करना, अपने आप से प्रॉमिस करना है कि सीट बेल्ट जो है ना आप हमेशा कार ड्राइविंग करते हुए लगा के रखेंगे, घर में आपका कोई इंतजार कर रहा है। तो गाइस, इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दे देना थम्स अप, शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से। और अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आने वाला मेरा जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है वो आप तक इजीली पहुंच जाए। तो चलो अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन, इट्स योर फ्रेंड मुंडा टॉप नॉच साइनिंग ऑफ। हैप्पी राइडिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी इफ यू आर ट्रैवलिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।